अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि हम आ चुके हैं कतर के ग्रैंड मोस्क में। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है और बहुत ही बड़े एरिया में है और दूर से भी दिखती है। तो मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था इसको देखने के लिए, तो फाइनली आज आ ही गया हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन एकदम अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है। तो ये जो आंगन है इसका, इसके आंगन में, इसके फ्रंट वाले एरिया पे हूँ मैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी जगह में है ये। और ये सामने वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये दफना का एरिया है ये सामने वाला। और यहाँ से लगभग पूरा कतर, आप ये इधर इस साइड का, समुंदर के साइड का पूरा कतर आप देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है, कतर की सबसे बड़ी मस्जिद ये है। और वाकई में यार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है अंदर। तो अभी हम थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये मस्जिद बहुत ही पुरानी है और इसको, इसका नाम मस्जिद का है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। और 2011 में इसको खोला गया था रेनोवेट करके। ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है, सैंड स्टोन जिसे बोलते हैं। और ये सामने वाला इलाका देख सकते हैं, ये सामने, ये इसका पार्किंग एरिया है। रात में ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये देख रहे हैं, ये वाला नज़ारा देख रहे हैं, ये वाला नज़ारा इतना खूबसूरत है। यही गुंबद दिख रहा था दूर से, क्योंकि मैं इस तरफ से जाता हूँ, ये वाले एरिया में जाता हूँ डेली, तो वहाँ से मुझे दिख रही थी। तो आज मुझे वक्त मिला तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो मैं अंदर गया था ऑफिस में, तो वहाँ से पूछा हूँ तो उन्होंने बोला कि बस आप बाहर से देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर सिर्फ नमाज के टाइम जा सकते हो। तो मेरे पास एक ही घंटा है, तो चलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ये देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये एक हिसाब से कह लो वज़ू बनाने के लिए दिया है। यहाँ पे बेसन लगा हुआ है, वॉश बेसन लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना है। और ये वाला एरिया बहुत ही बड़ा है। तो ये जो ये आंगन देख रहे हैं, ये बाहर वाला एरिया है और इसके नीचे पूरा बेसमेंट है। तो यहीं से, यहाँ से रास्ता है इस तरफ से और उस तरफ से रास्ता है। और ये मेन गेट है दोस्तों, ये मेन गेट है, इधर से भी थोड़ा छोटा रास्ता दिया, उधर से भी। और ये तकरीबन इसमें 11,000 आदमियों की कैपेसिटी है इस मस्जिद में, और 1200 औरतों की, औरतों का भी इंतज़ाम इसमें। और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और ये मस्जिद ग्रैंड मोस्क के नाम से जानी जाती है, इमाम बिन मोहम्मद अब्दुल वहाब ये मस्जिद है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन गेट से अंदर की तरफ पहले, उसके बाद दिखाते हैं। अंदर का नज़ारा तो ज़बरदस्त है यार, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ का, इस मस्जिद का स्टैचू बना हुआ है, ये इस तरीके से बना है। पहले छोटा था लेकिन बाद में इसको रेनोवेट करके बड़ा कर दिया गया है। ये इस तरीके से ये मस्जिद कुछ है, लेकिन इसमें जो है डोम्स नहीं दिखा है, इसमें डोम्स लगे हुए हैं, देख रहे हैं। कैसे कैसे बना हुआ था वो चीज़ इसमें दिखाया है, बाद में इसका नाम भी चेंज कर दिया। ये जो मौजूदा है ये ऐसे बना दिया, ये वाला। ये भी देख रहे हैं ये। तो गाइज ये अंदर का, तो अंदर का आंगन वाला एरिया है और इसमें सजावट कितनी अच्छी तरीके से की गई है ये आप देख रहे हैं। ये मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों ये।
और अभी हम अंदर हैं, लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो ये सामने देख रहे हैं, ये सामने इस मस्जिद में छत नहीं है, इस मस्जिद में इसमें डोम्स बने हुए हैं, और इसमें जो है सारे के सारे डोम्स बने हुए हैं। जो साइड साइड में है वो छोटे डोम्स है, जो बड़ी वाली छत पे है वो उसमें बड़े डोम्स बने हुए हैं। तो इस तरफ से ये नज़ारा देख रहे हैं, ये इस मस्जिद में एक ही गुंबद है। ये देखिए, ये रात में इसका नज़ारा इतना ज़बरदस्त होता है, ये आप देख रहे हैं। और ये अंदर की तरफ है, यहाँ एक्चुअली यहाँ शूज उतारते हैं। ये पूरा रैक जो दिख रहा है आपको, गैलरी दिख रही है, यहाँ शूज उतार के इसके बाद अंदर जाते हैं। ये इसके बाद एंट्रेंस है, ये देख रहे हैं ये वाला। और इसमें 17 जगह हैं एंट्री का, मस्जिद के अंदर 17 डोर्स हैं एंटर होने के लिए। ये देख रहे हैं ये वाला नज़ारा ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यार। मैंने तो अभी तक बहुत मस्जिद का एक्सप्लोर किया है, मस्जिद देखा भी हूँ, लेकिन ये मस्जिद सबसे अलग है, सबसे अलग है ये मस्जिद। और वाकई में आप नज़ारा यहाँ का देखने लायक है। अगर ये नमाज का टाइम होता और यहाँ पे लाइटिंग जली होती तो ज़बरदस्त नज़ारा होता यार, क्या बताऊँ मैं। ये देख रहे हैं ना, और ये रहा दोस्तों, ये मस्जिद बहुत बड़ी है यार वाकई। और ये मस्जिद का जो इमाम वाला एरिया है वो है, ये सामने दिख रहा है, सामने वाला एरिया है, ये इमाम यहाँ से नमाज़ पढ़ाते हैं। शुक्र है इन लोगों का, ये इन लोग देखने आए थे बाहर से कहीं, और इन्हीं की वजह से, ये टूर गाइड की वजह से मुझे अंदर आने को मिला, नहीं तो परमिशन नहीं था अंदर आने का। और ये सामने देख रहे हैं, जो सामने वाला एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ, ये औरतों के लिए बना हुआ है, और ये नीचे जो है, नीचे आदमियों के लिए बना हुआ है ये यहाँ से। इसमें इतने बड़े बड़े ये लगे हुए हैं, ये झूमर पूरे लगे हुए हैं, पूरी मस्जिद में लगे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से ये नज़ारा वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए। तो चलते हैं अभी हम लोग बाहर की तरफ, क्योंकि एक्चुअली मेरा टाइम भी ओवर हो गया है। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मेरा फ़ोन भी आ गया है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये वाला नज़ारा देख रहे हैं, ये इस तरफ से ये एग्ज़िट है यहाँ से, और ये वाला ज़बरदस्त एरिया है। ये देख रहे हैं, इस मस्जिद में एक ही गुंबद है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और इस तरफ वो लाइब्रेरी है, उस तरफ लाइब्रेरी है। और ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये आंगन है, ज़बरदस्त जी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार कि ये कैसा लगा, क्योंकि ये इसके लिए मैं काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये जगह मतलब मिनिस्ट्री में आ जाता है, क्योंकि ये सबके लिए परमिशन नहीं होता, हर वक्त ये खुला नहीं रहता। ये वाला देख रहे, ये एरिया खुला नहीं रहता, ये वाला, ये देख रहे यहाँ से नज़ारा। तो इसके लिए जल्दी परमिशन नहीं मिलता है यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से नज़ारा। मुझे फ़ोन भी मेरा आ गया है, तो मुझे निकलना पड़ेगा, 15 मिनट मेरे पास है, मुझे घूम के उसी तरफ जाना है, ये बिल्डिंग सारी दिख रही है उसी तरफ जाना है। यार वाकई में ये नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त है यार दोस्तों, ज़रूर बताना, ज़रूर बताना कैसा लगा ये कतर का ग्रैंड मॉस्क आपको देख के। तो ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता जाता है बेसमेंट में, तो बेसमेंट में सारी पार्किंग है, टॉयलेट्स वगैरह हैं, सब कुछ है अंदर। और यहाँ पे देखिए, ये एस्केलेटर लिफ्ट लगी हुई है और सीढ़ी भी बनी हुई है, तो ये सिर्फ नमाज के वक्त चालू रहती है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो यही नीचे मैं अपनी गाड़ी लगाया था, देख रहे हैं ये इतना बड़ा एरिया है,
ये अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।